नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सीक्रेट्स पर। मित्रों, आपने श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई भविष्यवाणियों को तो सुना ही होगा। मैंने इस पर ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाकर रखी है जिस पर आपने तगड़ा रिस्पॉन्स दिया है। आपके कमेंट को पढ़कर मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पर भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना कि उन सभी वीडियो पर दिया है। इसमें श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि श्री अच्युतानंद दास द्वारा की गई कुछ ऐसी भयानक भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कल की अवतार के जन्म का रहस्य क्या होगा, ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा, सुदर्शन चक्र कहाँ है और कलयुग में इसका क्या होगा, प्रभु का वाहन गरुड़ कहाँ है, विश्व युद्ध में तब जीतेगा या तोप जीतेगी, जगन्नाथ मंदिर में आतंकी हमला कैसे होगा, कैसे अंगद इस्लामिक सेना को खदेड़ेगा और कलयुग का अंत कैसे होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कलयुग के अंत की बात करते हैं तो बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि कोई भयंकर विश्व युद्ध होगा और कलयुग का अंत हो जाएगा, या फिर भयंकर जल प्रलय आएगा, या भयंकर तूफान आएगा, या फिर भयंकर भूकंप आएगा, या फिर भयंकर महामारी से पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्वामी जी लिखते हैं कि पृथ्वी पर बार बार खंड प्रलय आएगा, यानी कि किसी जगह जल प्रलय आएगा, कहीं भूकंप आएगा तो कहीं कुछ होगा, लेकिन ऐसा बार बार होता रहेगा जिसके कारण विश्व की बहुत जनसंख्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, जिसमें ज्यादा करके पापी और अधर्मी लोग होंगे। और इन सभी प्रलयों में जो भक्त रहेंगे और धर्मी लोग रहेंगे वही बचेंगे। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह खंड प्रलय कब स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह खंड प्रलय पहले ही स्टार्ट हो चुकी है और कोरोना के रूप में आप इसका ट्रेलर भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, जल सुनामी, भूकंप आदि घटनाएं जगह जगह पर आप लोग पहले ही देख चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा यह सभी खंड प्रलय बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाएंगी और सभी जगह बहुत ही उथल पुथल फैल जाएगा। तो यह पृथ्वी पर रहने वाले वासियों को भगवान आखिरी बार चुनौती देगा। कहीं यह आखिरी चुनौती कोरोना तो नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि 2017 में 226 बार भूकंप आया था, वहीं 2018 में यह 203 बार आया था और 2019 की संख्या बढ़कर 309 हो गई थी, वहीं 2020 में संख्या 265 हो गई थी। आप देख सकते हैं कि खंड प्रलय की संख्या किस प्रकार बढ़ती जा रही है और 2026 के बाद इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, जिस जगह पर छोटे मोटे भूकंप आते हैं और उन जगहों पर कभी बड़ा भूकंप भी आएगा। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जब पृथ्वी पर एक ऐसी महामारी आएगी जो पूरे विश्व में फैल जाएगी तो समझ जाना कि कलयुग का अंत होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। और दोस्तों, जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो यह खंड प्रलय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्हीं खंड प्रलय के समय तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा जो आग में घी डालने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने बताया है कि यदि आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो इन खंड प्रलयों से बचा जा सकता है। दूसरी बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान कल्कि के जन्म का समय क्या होगा? दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि कल्कि अवतार का जिक्र हिंदू पुराणों में कहां कहां मिलता है। सनातन धर्म में आदि पंच देवों के साथ ही त्रिदेवों का वर्णन है। वहीं त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु व शिव शामिल हैं, जिनके कार्य आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इस ब्रह्मा जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के
तेरहवें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा। तीसरी बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे में इस कलयुग का अंत कब होगा? ये बात हर कोई जानना चाहता है। इस संबंध पर श्री अच्युतानंददास का कहना है कि कलयुग के अंत के संबंध में सनातन धर्म ग्रंथों में इसके लक्षणों के बारे में बताया गया है। पुराणों के जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुर्तकों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिसका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भागवत पुराण में लिखा है, जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएगा तब ऐसे लोग सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे अधार्मिक और इसलब दान करने वाले होंगे। ये दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते देर लगेगी। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ होंगे। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विद्रोह फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवदत्त भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बड़ा घमंड होगा। स्त्री को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेगा। उस समय लोग प्रभुत्वता के कारण ही संबंध रखेंगे। कलयुग के 5 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन कर्म व्रत उपवास और सभी धार्मिक कामों को करना बंद कर देगा। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल्कि अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफी घट चुकी होगी। तब भगवान कल्कि दुष्ट का नाश करके कलयुग का अंत करेंगे। चौथी बात दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ था और कलयुग में इसका क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद या लक्ष्य का पीछा करते हुए उसका काम तमाम करके वापस छोड़े हुए स्थान पर वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र चलाया नहीं जाता बल्कि यह प्रहार करने वाले इच्छा शक्ति से भेजा जाता था या किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता था। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा ने सूर्य के तेज से 3 चीजों का निर्माण किया था, त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र का। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर सुदर्शन चक्र कहाँ गया? तो इसका उत्तर हमें भविष्य पुराण में मिलता है। उसमें लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र वहीं उनके साथ दफन हो गया और भगवान विष्णु एक बार फिर से कल्कि अवतार में आएंगे। तब वह पुनः इस चक्र को धारण करेंगे
और पापियों का विनाश करेंगे। लेकिन स्वामी जी इसके बारे में लिखते हैं कि यह सुदर्शन चक्र एक दीपपुर नामक स्थान पर रखा है, जिसका नाम इस चक्र के नाम पर रखा गया है, जिसे चक्रपुर कहते हैं। और दोस्तों, जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वह केवल सभी देशों के मध्य नहीं होगा, जो कली युद्ध है वह तप और तोप का भी युद्ध होगा, जब गोला बारूद मिसाइल आदि चीजें होंगी। वही साधु संत एवं तप की शक्ति भी इस युद्ध का हिस्सा होगी। और यह कली युद्ध बहुत ही विनाशकारी युद्ध होगा, इसमें बहुत ही ज्यादा जनसंहार होगा। अंत में इस युद्ध में तोप की नहीं बल्कि तप की जीत होगी, क्योंकि तप की शक्ति तोप की शक्ति उससे कहीं गुना ज्यादा है। स्वामी जी मालिका में लिखते हैं कि जब विश्व युद्ध होगा, जो विदेशी सेना है वह भारत के बहुत से मंदिरों को टारगेट करेगी, जिसमें से एक मंदिर जगन्नाथ मंदिर होगा, जिसमें विदेशी सैनिक आकर छुप जाएंगे। स्वामी जी ने यहाँ विदेशी सेना को राक्षस का नाम दिया है, क्योंकि यह आतंकवादी भी हो सकते हैं। ऐसा वह इसलिए करेंगे, उन्हें पता होगा कि भारत की सेना इस मंदिर पर तोप या मिसाइल से हमला नहीं करेगी, और जब भारत की सेना इन पर हमला करने जाएगी और ये विदेशी लोग मंदिर के अंदर छुप जाएंगे और यहाँ पर भीषण रक्तपात होगा, और उसमें जो प्रभु जगन्नाथ का सिंहासन है वहाँ पर रक्त गिरेगा, और 21 दिनों तक प्रभु के मंदिर में भोग नहीं लगेगा, और 6 सालों तक प्रभु की रथ यात्रा भी स्थगित हो जाएगी। और यह घटना कलयुग के अंत होने से पहले एक संकेत होगा। यह घटना विश्व युद्ध के समय होगी, जब तीसरा विश्व युद्ध चल रहा होगा तभी ये सारी घटना होगी। और दोस्तों, स्वामी जी ने मालिका में लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत के समय कोलकाता में विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, और इस यज्ञ को स्वयं श्री अच्युतानंद दास जी करेंगे, और कोलकाता में जो काली माता है और उनका 3 बार भयंकर गर्जन होगा, और यह गर्जन इतना भयंकर और इतना तेज होगा कि इसकी आवाज उड़ीसा तक सुनाई देगी, और इस आवाज से जो भक्त लोग होंगे वह जागृत हो जाएंगे, और उसी आवाज से पूरे विश्व में हलचल मच जाएगी, और उड़ीसा में पापियों का इस आवाज से अंत होगा। इसके बाद में स्वामी फिर से वापस उड़ीसा में अपने साधना स्थल पर लौट आएंगे, और दोस्तों दुश्मन हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली को सबसे पहले टारगेट करेंगे, और सबसे पहला रॉकेट भी दिल्ली के ऊपर दागेंगे, और हो सकता है कि हमारे पास एंटी मिसाइल सिस्टम भी होगा, लेकिन यह रॉकेट उसको भी पार करके दिल्ली को ध्वस्त कर देगा। दोस्तों, आज के हिसाब से देखा जाए तो ये पाकिस्तान मुस्लिम देश तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन देशों के पास तो ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, तो फिर यह कौन सा देश होगा? तो मेरे हिसाब से यह चाइना हो सकता है, क्योंकि वह लंबी रेंज की सुपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करने का काम कर रहा है। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि जो कोलकाता शहर है वहाँ पर इतना भयंकर हमला होगा कि पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसके बाद अयोध्या भी इस विश्व युद्ध में बहुत अधिक प्रभावित होगा। इसके अलावा और भी कई शहरों का उन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। और दोस्तों, इस विश्व युद्ध के बीच में स्वामी जी ने एक और बात लिखी है कि देखते देखते दुश्मनों की सेना का भारत की सेना के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी युद्ध करने का जो नियम सभी देशों ने बना रखा है उसके अनुसार युद्ध केवल देश की सेना के बीच होगा। इसमें सिविलियन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अगले विश्व युद्ध में इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत ही ज्यादा नरसंहार होगा। आगे स्वामी जी लिखते हैं कि जब 13 मुस्लिम देश की सेना भारत के अंदर प्रवेश करेगी, ये सबसे ज्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे और देखते ही गोली मार कर उनकी हत्या कर देंगे, और भारत की सेना भी इन दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी, और रात दिन 24 घंटे जंग चलती रहेगी। और स्वामी जी ने बताया है वे सभी जन्म ले चुके होंगे और वे इस इस्लामिक सेना का काम तमाम करेंगे। पूरी सेना देश को छोड़कर भाग जाएगी। इस युद्ध के समय आसमान से उल्कापिंडों की बरसात भी चल रही होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर हम और भी वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि मैं चैनल पर जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद।